हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज सुबह सुबह मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाने की यहाँ पर कोशिश की है आप सभी के लिए। तो मेरे वर्क प्लेस के पास ही ये बहुत ही सुंदर सा जगह पड़ता है, जो कि कालिम्पोंग का वन ऑफ द फेमस व्यू पॉइंट है, जो है गोल्फ कोर्स। और यहाँ से कालिम्पोंग का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है, तो मुझे लगा क्यों ना आपको मेरे चैनल के ज़रिए इस व्यू पॉइंट को मैं दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स, आइए इस व्यू पॉइंट का आप लोग मेरे साथ मज़ा लीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बताया, कालिम्पोंग का गोल्फ कोर्स है और यहाँ पे गोल्फ खेला जाता है, लेकिन यहाँ पे सिविलियंस को अलाउ नहीं है। यहाँ पर जो है आर्मी पर्सनल को ही, और वो भी ऑफिसर्स जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, अपना गोल्फ खेलते हैं। और ये गोल्फ कोर्स जो है बहुत ही सुंदर जगह है और ये वेल मेंटेन है। जैसे कि आपको मालूम है, ये आर्मी कैंटोनमेंट के अंदर ही पड़ता है और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू तो दिखता ही है, साथ ही साथ यहाँ पे चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। चारों तरफ जो है पहाड़ से घिरा हुआ ये जगह है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे साथ आप लोग भी इस व्यू पॉइंट का मज़ा लीजिए। तो आप जब कभी कालिम्पोंग आए तो इस व्यू पॉइंट में ज़रूर आइएगा। तो यहाँ से आप खड़े होकर यहाँ इस व्यू का मज़ा ले सकते हो। तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और बहुत ही मौसम सुहाना था। तो चलिए, मुझे देरी हो रही थी, तो अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को कुछ नई जगह के बारे में दिखाऊंगी, कालिम्पोंग के फेमस प्लेसेस के बारे में। तो चलिए, अब मैं निकलती हूँ अपने ड्यूटी की तरफ। तो अपनी स्कूटी को मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ड्यूटी निकलने से पहले सुबह सुबह मैंने अपने बेटे के लिए एक टिफ़िन बनाया था, तो उसकी रेसिपी को मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन को गर्म कर लेंगे और यहाँ पर मैंने डाला है 2 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल। हल्का सा जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ मैंने 3 आलू को क्यूब शेप में काट लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू को आपको ज़्यादा बड़ा नहीं काटना है, हमें इसका साइज़ थोड़ा छोटा ही रखना है। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर ऑनियन चॉप किए हुए। तो मैंने प्याज को भी अच्छे से यहाँ पर चॉप कर लिया था, तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज को लिया है और अच्छे से चॉप करके इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो हम इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर को लिया है और 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं डालूँगी काला मिर्च पाउडर, यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर को मैं यहाँ पर ले रही हूँ। इसके बाद हम सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे भुनेंगे। तो हमें इसे अच्छे से भून लेना है। और ये रेसिपी जो है हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो हमें ज़्यादा तीखा इसमें ऐड नहीं करना है, इसलिए मैंने बहुत कम मसालों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जो आप देख रहे हो। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, और नमक को ऐड करने के बाद फिर हम इसे अच्छे से चला लेंगे और थोड़ी देर के लिए फिर हम इसे भून लेंगे। इसके बाद हम इसे ढक कर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट तक हमारा आलू जो है अच्छे से पक जाएगा। तो फिर देखिए, मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ टमेटोज़ को। तो मैंने यहाँ पर 1 टमाटर काट लिया है, इसको भी मैंने बारीकी से काटा है। तो अब मैं टमाटर को आलू के साथ मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए फिर ढककर मैं इसे पका लूँगी। तो करीबन मैंने यहाँ पर 3 मिनट के लिए इसे पकाया है। इसके बाद चलिए देखते हैं, इसे फिर से एक बार अच्छे से चला लेते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कोरिएंडर, यानी कि धनिया पत्ता, जो कि फ्रेश धनिया पत्ता है। इसको मैंने अच्छे से धोकर बारीकी से काट लिया है। तो चलिए हम इसे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया को ऐड कर लिया है और फिर हम इसे फिर से इन चीज़ों के साथ मिक्स कर देते हैं।
तो यहाँ पर हमारा आलू, टमाटर, धनिया और प्याज अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप जैसे कि देख रहे हो। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, क्विक बनने वाली रेसिपी है, तो आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो चलिए सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम इसे चारों तरफ फैला लेंगे, ठीक है। तो जैसा मैं कर रही हूँ आप लोग भी वैसा ही कीजिए, चारों तरफ हम इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। और गैस का जो फ्लेम है इस स्टेज पर हमें लो रखना है, ठीक है। इसके बाद हमें लेना है अंडा, तो देखिए अंडे को हमें इस तरह से फोड़ना है और जो ये मिक्सर तैयार हुआ है इसके ऊपर हमें धीरे से इसे डाल देना है। तो इस तरह से एक एक करके, यहाँ पर मैं तीन अंडों को ले रही हूँ, तो दूसरे अंडे को भी मैं फोड़ रही हूँ और इसे भी यहाँ पर डाल रही हूँ। तो थोड़ा हमें दूर दूर इसे डालना है, नहीं तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी मर्जी, आप तीन अंडे, चार अंडे या पांच अंडे, जितनी आपको लेनी है इस तरह से आप ले सकते हो। तो देखिए इसको भी मैंने फोड़ के डाल दिया है और धीरे धीरे ये फैलता जाएगा और पूरे पैन में ये अच्छे से कवर हो जाएगा। देखिए ये कवर हो चुका है, अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पर 1/3 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, क्योंकि पहले भी हमने ऐड किया तो ज़्यादा हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ करीबन 1 टेबलस्पून ओरिगैनो, ओरिगैनो भी ले सकते हो या आप मिक्स हर्ब भी ले सकते हो। इसको अच्छे से फैला दीजिए। इसके बाद हम इसे फिर से कवर कर देंगे और करीबन हम इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और फ्रेंड्स हमें एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर हमारा फ्लेम जो है बहुत ही लो होना चाहिए, तो 10 मिनट के लिए हमें इसे पका लेना है। नहीं तो देखिए अगर फ्लेम ज़्यादा बड़ा आपने रखा, हाई फ्लेम रखा, तो ये जल जाएगा और अंदर से अच्छे से कुक नहीं होगा। तो ये हो चुका है हमारा, बहुत ही अच्छी तरीके से ये पक चुका है। तो अब मैं इसमें कट लगा रही हूँ, आप चाहे तो पूरा भी इसे निकाल सकते हो, लेकिन अगर हम इसे कट करते हुए निकालेंगे तो ये बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए इसे निकालना और सर्व करना। तो देखिए मैं इस तरह से कट लगा रही हूँ, मैं ये इसे 4 पीस में इसे काट रही हूँ। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। तो ये लीजिए हमारा नाश्ता या टिफ़िन की रेसिपी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो चले हम इसे पैक करते, तो मैंने यहाँ पे 2 पीस इस पैन केक के मैंने डाल दिए हैं, जो कि बहुत हेल्दी और यमी लग रहा है और मेरे बेटे को तो ये बहुत ही पसंद आता है और वो हमेशा कहता रहता है मम्मी इसे बना दो। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मैंने थोड़ा सा एवोकाडो और मेयोनीज भी उसे दे दिया है। तो ये मेरे बेटे का टिफ़िन तो पैक हो चुका है। तो फ्रेंड्स अपने बच्चों के लिए इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, जो बहुत ही इजी और क्विक से बनने वाली रेसिपी है। और हमें इसे बनाने के लिए ज़्यादा तामझाम की भी ज़रूरत नहीं है और देखिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से और हेल्दी सा टिफ़िन का रेसिपी हमारा तैयार हो चुका है। तो आप भी इस टिफ़िन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और बच्चे के टिफ़िन में इसे दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह के मज़ेदार क्विक हेल्दी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।